नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बीते कुछ सालों में हमने डिजिटल इंडिया की ओर काफी तेजी से कदम बढ़ाया है। देश में अब ज्यादातर लेनदेन डिजिटल माध्यमों से होने लगे हैं। इसमें यूपीआई एक बड़ा ही अहम रोल निभा रहा है। भीम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, पेटीएम जैसे कई एप्स के जरिए लोग मनी एक्सचेंज कर रहे हैं। आपको आज जनरल स्टोर से लेकर सब्जी के ठेले तक, पान की गुमटी से लेकर चाय की दुकान तक, लगभग हर छोटी से बड़ी जगह पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए QR कोड मिल जाएगा। पीएम मोदी ने 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। वहीं इस अभियान का बिहार में अब एक अनोखा पहलू सामने आया है। यहाँ एक भिखारी कुछ ज्यादा ही फेमस है। इसका नाम है राजू। राजू की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसने अब अपने भीख मांगने के तरीके को भी डिजिटल युग के साथ अपडेट कर लिया है और उसका अब भीख मांगने का अंदाज भी बदल गया है। भीख मांगने पर जब कोई कहता है छुट्टे नहीं है, तो राजू कहता है अरे फोन पे कर दो, नहीं तो गूगल पे कर दो। ऐसे में छुट्टे नहीं है का बहाना इसके पास नहीं चलेगा। राजू की पहचान दूर से ही हो जाती है। उसके गले में QR कोड की तख्ती लटकी रहती है, हाथ में टैब है। चर्चा है कि राजू बिहार का पहला डिजिटल भिखारी है। वहीं राजू अपने आप को देश का पहला हाईटेक भिखारी बताता है। बिहार का ये डिजिटल भिखारी बचपन से ही भीख मांग रहा है। इसी बीच कुछ दिनों से लोग छुट्टे नहीं है कहकर भीख देने से मना कर देते थे। ऐसे में उसे पैसे मिलना लगभग बंद हो गए। तभी उसे डिजिटली भीख मांगने का आइडिया आया। उसके बाद उसने पैन कार्ड बनवाकर बैंक में खाता खुलवाया और डिजिटली भीख मांगना शुरू कर दिया। अब उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी है। राजू पीएम मोदी का बड़ा फैन है और उनके डिजिटल इंडिया अभियान से काफी प्रभावित भी है और साथ ही में वो लालू प्रसाद यादव का भी प्रशंसक है। अब अगर आपका सामना कभी इस भिखारी से होता है तो आप गलती से ये झूठ मत बोलिएगा कि आपके पास छुट्टे नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम रोचक खबरों और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।